Okay, go for the next case. Case number 5. Yes, read this case. Chavi is 6-year-old girl whose parents are worried that she is completely silent in the school. Okay, her teachers were never heard her speaking in the school, and at lunch break she sits alone away from the other children. However, she completes her exams and get good marks. Her parents says that she is very lively and talkative in the home environment with the family members. In your OPD, she watches you silently when you are talking with your parents, with her parents. She does not say a single word and does not answer your questions. 10 बार आपने पूछा कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, नहीं हंस रही है या माँ का चेहरा देख रही है, आंसर तो नहीं दे रहे, 10 बार पूछा, ठीक है. सो शी डज नॉट से एनी सिंगल वर्ड एंड डज नॉट आंसर यूअर क्वेश्चन एट ऑल. शी इज विलिंगली कंप्लीट ए फजल विद इन 20 क्यूब्स एंड ड्रॉस ए ब्यूटिफुल पिक्चर. आपने उसने कुछ फजल दे दिया, कुछ ड्रॉमैन या कुछ करने के लिए दे दिया, उसको बना के दे दिया, आपका बात नहीं कर रही. व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? सेलेक्टिव म्यूटिज्म. ओके, कैसे बोला आपने? क्योंकि व्हाट मदर्स टेलिंग दैट घर में तो आप देखो इसको प्रताप आके, यहां पे तो ऐसे चुप बैठी है, घर में देखो इसका प्रताप कैसे करती है घर में. सो शी इज वेरी एक्टिव इन द होम एनवायरमेंट बट शी इज नॉट एट ऑल आंसरिंग इन द हॉस्पिटल एनवायरमेंट और अदर एनवायरमेंट. सो एक एनवायरमेंट में वो बहुत अच्छा करती है और दूसरा एनवायरमेंट में जो है चुप रहती है. ओके, सो दे आर टेलिंग दैट इज ए सेलेक्टिव म्यूटिज्म. देखेंगे सही है गलत. चाइल्ड इज 6-year-old चाइल्ड हु टॉक मोर बाय दिस एज एंड कीप टॉकिंग इन दिस एज बट द चाइल्ड इज नॉट टॉकिंग. हमें पता है 6 साल में तो बच्चे बहुत बातें करते हैं, ठीक है. 6 साल में जो है टीचर्स को फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. मेंढक का जैसे होते हैं, मेंढक का जैसे स्कूल में बैठा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वो टीचर को सलाम बोलना चाहिए. हम भी ऐसे करते थे, ठीक है. उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है. इतना ज़्यादा बात करते हैं बट ये 6 साल का लड़की है, ये बात ही नहीं कर रही, ठीक है. सो बट पेरेंट्स सेड दैट इन द होम एनवायरमेंट शी इज़ ओके. होम में जो है घर पे तो बहुत अच्छा बात करती है. शी इज़ गुड इन एकेडमिक्स, ठीक है. वो बहुत अच्छा मार्क्स भी लाती है. व्हेन यू ट्राई टू टॉक शी विल नॉट आंसर, जस्ट स्माइल, स्माइल ही करना और कुछ नहीं. सो शी हैज़ गॉट प्रॉब्लम्स इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है उसको, बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है. वो भी कहाँ? पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, पर्टिकुलर एनवायरमेंट में. जस्ट लाइक आप बोलते हैं ना कि सब कुछ मुझे आता था, वही हमें सब कुछ मुझे आता था, वहाँ भी बोल नहीं पाया. वो भी एक सेलेक्टिव म्यूटिज्म ही है, ठीक है. अरे मैं सब कुछ पढ़ा था, यहाँ पे मैंने बताया था, अरे इसको तो मैंने एक्सप्लेन किया था, वो तो बोल के आ गया, मैं बोल नहीं पाया, ठीक है. सेलेक्टिव म्यूटिज्म ये भी, जो वैवा में जो आपके साथ होता है वो भी सेलेक्टिव म्यूटिज्म है. वो जो एनवायरमेंट में ना आप कुछ नहीं कर पाते. सो पेक्यूलर इज सोशल इंटरेक्शन बियॉन्ड हर फैमिली एंड होम एनवायरमेंट. सोशल उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है उसका फैमिली और उसका एनवायरमेंट में, उससे बाहर कहीं पे भी आ गए तो उसका सोशल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है. सो दिस इज समवॉट रेयर कंडीशन इन चिल्ड्रन. बच्चों में वैसे रेयर है, बड़ों में हो सकता है, बच्चों में रेयर है. दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव म्यूटिज्म. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सेलेक्टिव म्यूटिज्म. सो देर विल बी ए सिग्निफिकेंट एंग्जाइटी अबाउट स्पीकिंग इन अनफेमिलियर सेटिंग विद न्यू पीपल. होता क्या है यहाँ पे, अनफेमिलियर मेंबर्स के साथ उसको बोलने में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जाता है, ठीक है. घर में कोई नहीं है, घर में तो पापा मामा यही है, भाई बहन है, तो वहाँ पे कुछ भी बोल दो, बट दूसरे लोगों के सामने बोलते वक्त शी विल बी वेरी क्या है कि कंसर्न हो जाती है और एंग्जाइटी में आ जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव म्यूटिज्म. वी गेट सो मेनी, बहुत सारे जो बच्चे ओपीडी में आते हैं वो हम 10 बार पूछने के बाद कुछ भी नहीं बोलते. मदर क्या बोल रही है? तो घर में तो सब कुछ करते. मैं तो बोलता हूँ गाना गाने के लिए, गाना नहीं गाते. मदर क्या बोलते हैं? घर में तो गाती रहती है सर, यहाँ पे तो नहीं गा रही है, ठीक है. सो दिस इज अगेन सेलेक्टिव म्यूटिज्म. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस केस ऑल्सो. सो इसको जो है रॉन्गली डायग्नोस नहीं करना है कि ऑटिज्म है, ये है, वो है. यस, गो फॉर द नेक्स्ट केस. 2-year-old male child brought for the complaints of URI.
upper respiratory tract infection. Mother is also complaining that child is also not started talking yet. 2 साल हो गया, ये अभी भी बात नहीं करती है. She only talk the words like mom, papa, etc. Mother feel other kids of the same age are talking much more than this child. He is otherwise active child and physically also fit. There is also a history that father is also speaking late in the childhood. Okay. नॉर्मल है, फैमिलियल है, पक्का? और कुछ नहीं सोचेंगे इसके? अभी तो कंप्लेंट्स ऑफ यू आ रही है उसको, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. मदर इज ऑल्सो कंप्लेनिंग दैट चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट स्टार्टेड टू टॉक एट. 2 साल हो गया, 2 साल तक बच्चे ने बात ही नहीं किया एक्सेप्ट मम्मा पापा ये सब छोड़ के. सी देयर इज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ फादर स्पीकिंग लेट इन द चाइल्डहुड. ये तो शायद ग्रैंड फादर ने बताया होगा, ग्रैंड मदर ने बताया होगा, ये भी जो है लेट चल रहा था, ये भी लेट बात किया. सो क्वेश्चन ये है कि अगर फादर ने इस तरीके से लेट बात किया, क्या ये डायरेक्टली अप्लाई होते बच्चे को भी लेट ही बात करने? Can you think something more on this? Okay. So this is again common problem. Common problem. So this can turn out as a mild language problem. ये जो problem है जो हम बोल रहे familial है. So this may turn out to be a language problem. This may turn out to be a delay. और this may be also turn out to be autism. ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. ओके, फैमिली हिस्ट्री है बोल के आप चुप नहीं रह सकते. ओके, सो इन दिस चाइल्ड, इस चाइल्ड हाँ फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, बट स्टिल यू कैन नॉट से दैट फैमिली हिस्ट्री है इसकी वजह से जो है इसको छोड़ दो, या अपने आप सही हो जाएगा. जैसा फादर का सही हो गया था वैसे भी इसका भी सही हो जाएगा, बट यू कैन नॉट से लाइक. ओके, नाउ what you have to do, you have to now investigate in this child. Okay, so what is the investigation here? Clinical diagnosis is important. First thing what you have to do in this case is you have to rule out the hearing loss. सुनने में कोई दिक्कत नहीं है इसको, पहले इसको रूल आउट करो. सो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या था? नॉट स्टार्टेड टॉकिंग एट, पूरा वर्ड्स वो अभी भी नहीं बोल रहा है. ओके, कुछ ही वर्ड्स बोल रहा है, बाकी सब सही है. नाउ रूल आउट द डिसमॉर्फिक फ्यूचर्स इन दिस चाइल्ड. नाउ रूल आउट सम ऑफ द डिसमॉर्फिक फ्यूचर्स. कोई ऐसा सिंड्रोमिक फ्यूचर्स है क्या उसको? यू हैव टू रूल आउट दैट. देन गो फॉर अ थायरॉयड प्रोफाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गो फॉर अ थायरॉयड प्रोफाइल बिकॉज वी नो दैट थायरॉयड हाइपोथायरॉयडिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. थायरॉयड प्रोफाइल. Then go for chromosomal microvariant CMEA with the genetist or specialist. Genetic study karna hai to. Then go for clinical judgment. Now, how to manage this child? Speech delay should not be ignored. Speech 2 saal tak uska nahi aaya abhi tak. Kuch hi words wo bol rahi hai. Theek hai? It should not be ignored. If possible, send to the speech therapist. Okay, for selective mutism, send it to a psychologist or counselor. अगर selective mutism का बात है तो psychologist के पास भेजो या counselor के पास भेजो. Give some of the suggestion to the parents. What are the suggestion should be given? Give stimulation by different methods. Okay, so child may be sent to Anganwadi, play school. तो वहाँ पर teacher से आप बात करो. Give some extra focus on this, more focus on this child. Talk with this child more. ठीक है, ज़्यादा एक्टिविटी में इसको इन्वॉल्व करो. देन मल्टीपल मेम्बर्स इन द फैमिली. सी पहले ज़माने में जो है ज्वाइंट फैमिली रहता,
तो वहां पे यूजुअली सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वायर करेक्टेड बाय इटसेल्फ। अभी ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो अभी हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि एक घर में 3 ही लोग हैं, माँ बाप और बेटा है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम अब हाईलाइट हो रहे हैं और छोटा प्रॉब्लम जो है बड़ा हो रहा है। और एक अविभाज्य कुटुंब हम जो बोलते हैं, कंबाइंड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो वहाँ पे 10-15 बच्चे हैं, कुछ खेलने वाले हैं, कुछ कूदने वाले हैं और कुछ करते रहते हैं, और जो भी इंट्रैक्शन वहीं पे हो जाता और कुछ आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता अपने आप कि सभी बच्चे खेल रहे हैं, एक तो शाम बाहर बैठा है। ठीक है, तो दिस आर सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एज फार एज ऑटिज्म एंड ADHD इज कंसर्न। बच्चों के लिए न्यूक्लियर फैमिली इज वेरी वेरी किलिंग एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न। बच्चों के लिए हमेशा ज्वाइंट फैमिली बेस्ट। न्यूक्लियर फैमिली में जो है बच्चे का ग्रोथ हो गया डाउन, ऑटिज्म होगा, ADHD होगा, सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, इनअटेंशन होगा, प्लेइंग स्किल में ये नहीं है, सोशलाइजेशन है, एवरीथिंग इज गॉन इन द न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए हमें प्लेइंग स्कूल का अभी जरूरत पड़ा, प्लेइंग स्कूल में भी डालना पड़ रहा है। अदरवाइज पहले कहाँ सा प्लेइंग स्कूल था, घर ही एक प्लेइंग स्कूल था, इतना सारे बच्चे थे वहाँ, प्लेइंग स्कूल से ज़्यादा वहाँ पे थे बच्चे। ठीक है, और इतना ही नहीं है, वो जो देखभाल करने वाले भी ज़्यादा थे वहाँ पे, नानी भी थी, दादा भी था, ठीक है, फादर थे, मदर थे, चाची, मौसी, बड़े बड़े डॉक्टर्स सब, मैंने एज अ एक्सपीरियंस इज कंसर्न। ठीक है, नाउ ऑलवेज देयर इज अ सेइंग कि ये नया गायनेकोलॉजिस्ट है अच्छा है कि वो पुराना माँ, जो नया गायनेकोलॉजिस्ट है 10 गुना अच्छा है, कौन है, एक ओल्ड लेडी, क्योंकि ओल्ड लेडी को 10 प्रेगनेंसी का अनुभव है। नया गायनेकोलॉजिस्ट है जो अभी हम जो खत्म करके आई है, उसको तो अनुभव ही नहीं है, खुद का एक अनुभव अलग होता है और दूसरों का जो हम देखते हैं वो अनुभव अलग होता है। ठीक है, तो ओल्ड लेडी जो है वो सबसे बेस्ट डॉक्टर है, जिसका 10 डिलीवरी हुआ है, ओल्ड लेडी है, और उसका जो है एक्सपीरियंस का सामने किसी के एक्सपीरियंस नहीं है। अब कितना भी बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट हो, क्या 10 डिलीवरी खुद अंडरगो करके वो देखी है, क्या नहीं है ना, दूसरों को डिलीवरी कराई होगी। ठीक है, तो एनीवे गोइंग टू द स्कूल एंड शुड बी फॉर द सोशलाइजेशन नॉट फॉर द स्टडी। सो इस टाइप में मेनी टाइम्स व्हेन यू जॉइन द बेबी टू द स्कूल, वहाँ पे टीचर को ये बोलना है कि ये क्या है कि स्कूल में आने दीजिए उसको, बच्चों के साथ खेलने दीजिए, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। बट आजकल क्या हो रहा है कि 3 साल में आपको बच्चा ABCD बोलना चाहिए, 3 साल में जो है सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट रैंक। क्या है फर्स्ट रैंक है, 3 साल का बच्चा है, अभी उसका स्किल ही डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज इन राइमिंग्स, क्या राइमिंग्स 3 साल में, ओके। सो एटलीस्ट सपोज इफ यू आर ज्वाइनिंग योर किड्स फॉर द LKG UKG प्ले स्कूल जो भी है, एटलीस्ट यू गिव दिस मच ऑफ फ्रीडम टू द चिल्ड्रन कि वहाँ पे छोड़ो, इसका जो है पढ़ाई चले तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेगा, अभी तो खेलने दो इसको। अब प्ले स्कूल में भी क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी टीचर्स जो है स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो वहाँ पे खेलने के लिए जा रहा है, प्ले स्कूल नाम ही प्ले स्कूल है, बट वहाँ पे क्या अल्फाबेट सिखाएंगे, और वहाँ पे ABCD राइम्स ये वो लिखना, जो आपका जो स्किल्स है दैट ग्रेजुअली जो पिंसर ग्रास्प है ये है वो है सब मेच्योर होता जाता है ग्रेजुअली ग्रेजुअली। ठीक है, एनीवे स्ट्रेट लाइन सर्कल वो सब पता है ना, कौन कौन सा एज में आता है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ व्हाट इज एडवाइस टू द पेरेंट्स इन दिस केस, सो डोंट फोर्स द चाइल्ड टू डू द वर्क। ठीक है, कि वो कर दिया तो कर दिया, ठीक है, टॉक टू योर चाइल्ड एंड यूज द शॉर्ट एंड सिंपल फ्रेजेस। हमेशा अपना बच्चे के साथ बात करते रहो, सिंपल सिंपल, बड़ा बड़ा सेंटेंस जैसा हमारा शशि थरूर बोलते हैं वैसा मत बोलो कि बड़ा बड़ा जो वर्ड्स है। ठीक है, सिंपल सिंपल वर्ड्स तो उससे बोलते रहो। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड माताश्री पिताश्री पधारिये बैठिए, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो है आप यूज मत करो, सिंपल वर्ड्स के साथ बच्चे के साथ, है ना। रीड द सिंपल बुक्स टुगेदर विद पिक्चर। जब पिक्चर बुक्स आप देते हो बच्चे को बुक्स दे दिया और बोल दिया कि पढ़ते रहो इसको, वो क्या है थोड़ा देखेगा उसके बाद उसको फाड़ देगा बस। बट उसको बैठो पिक्चर बुक के साथ, ये क्या है, अच्छा ये बिल्ली है, ये क्या है,
ये बर्ड है, ये क्या है, ये बंदर है, ये क्या है, ये आदमी है, देखो सो रहा है क्लास में बैठ के, ऐसे दिखाते रहो उसको, दिखाते रहो दिखाते रहो। तो क्यों है उसका जो है वो वर्ड वर्ड डिक्शनरी उसका बढ़ जाएगा। बी एनिमेटेड, एनिमेटेड मतलब कोई भी चीज़ को एनिमेटेड करके दिखाना है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट, शो द थिंग्स एंड नेम देम, ये सब आपको ऑटिज्म का जितना भी हमारा पेशेंट है ये सब आपको एडवाइस करना चाहिए। शो द थिंग्स एंड नेम देम, जो भी चीज़ को, ये क्या है, ये घड़ी है, ये क्या है, ये कूलर है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद रिपीट कराना है उसे। देन इन्वॉल्व द चाइल्ड डे टू डे एक्टिविटीज़, बच्चे को जो है आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आज के ज़माने में अगर मैं बोलूँगा तो एक ही इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या है, माँ क्या बोलेगी बच्चे को, चलो मोबाइल को चार्जर चार्जर लगा दो मोबाइल में, ये कॉमन, ये मतलब मदर जो अपना काम करती है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बोल गए मदर क्या करेगी, मैक्सिमम चार्ज में लगा दो मोबाइल को, चार्ज में लगा दो मोबाइल को, यही होगा एक काम, क्योंकि मदर भी वही यूज़ कर रही है मोबाइल, ठीक है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ईच एंड एक्टिविटी के साथ जो है बच्चे को इन्वॉल्व करना है। मे बी इन द किचन ऑटोमेटर लेके आ जाओ, धनिया लेके आ जाओ, बर्तन लेके आ जाओ, ग्लास लेके आ जाओ, ठीक है। और दूसरा कोई है कि बेडशीट लेके आ जाओ, ठीक है, पापा क्या कर रहे देख के आ जाओ, तो ये सब जो है तो इस तरीके से आप जो है बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते, ठीक है। सो देन डोंट टॉक कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली बात नहीं करना है, टॉक एंड गिव सम टाइम टू द चाइल्ड, कम से कम आप जो बोल रहे हो वो समझे उसको, उससे पहले आप दूसरा बात मत करें, ओके। एंड फॉलो द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, हमेशा अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं जाना है, बच्चे के इंटरेस्ट के साथ जाना है। आपका इंटरेस्ट कुछ है, ठीक है, उसी हिसाब से बच्चे को मॉडुलेट मत करो, आप देखो बच्चे बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट के साथ आप जाओ और उससे कम्युनिकेट करते रहो, ओके। सो दिस आर सम ऑफ द एडवाइस टू द पेरेंट्स इन सच केसेस, ये जो केस हमने जो देखा अभी, क्योंकि 2 साल का बच्चा है विद द कंप्लेंट्स ऑफ यूआरआई के साथ आ गया, बट मदर का कंप्लेंट है बच्चा बहुत कम बात कर, बाकी सब सही है, ओके। और उसको लगता है कि फादर भी लेट बात किए थे इसलिए ये भी बात करें, बट यू शुड नॉट बी केप्ट एज इट इज़, ये जो सभी स्क्रीनिंग उसमें करना है, एंड यू हैव टू गिव दिस ऑल एडवाइस। नाउ व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस एज पर एज स्पीच इज कंसर्न, स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले इज कंसर्न, जो कॉमन क्वेश्चंस जो पेरेंट्स आपसे पूछते हैं जो आपके पास आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। सो कॉमन क्वेश्चन इज कैन चिल्ड्रन प्रोग्राम और चाइल्ड प्रोग्राम ऑन टीवी एंड डीवीडी हेल्प्स इन द चाइल्ड टू स्पीक, हम कार्टून लगा के दे देंगे इसको टीवी में, ये देखता रहेगा, क्या ये सीख पाएगा, क्यों नहीं, कार्टून छोड़ दो, दूसरा कुछ शोले फिल्म डाल के दे दो, सो अगर आप मैकेनिकली एक टीवी चला के डीवीडी चला के उसको दे रहे हो और आपको लगता है कि इसको देखने के बाद वो सीख लेगा बात करना, इट इज़ अ रॉन्ग, ओके, रॉन्ग थिंग। चिल्ड्रन ऑलवेज द चिल्ड्रन ऑलवेज ट्राई टू टॉक और लैंग्वेज ओनली व्हेन और कैच द लैंग्वेज ओनली व्हेन वी टॉक इन रिलेशन टू सम रिलेशनशिप, दैट मीन्स अगर टीवी देख रहे हैं साथ में मदर भी बैठी है और वहाँ पे जो टीवी में जो चल रहा है हर चीज़ को बच्चे को वो एक्सप्लेन कर रही है, देन इट इज़ ओके। और इफ मदर इज देयर विद द पिक्चर बुक एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन टू द किड बाय द मदर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो ये है, ये है, सब बोल रही है वो और बच्चे से वापस बुलवा रही है, सो देन इट इज़ ओके। बट नियरली मैकेनिकली बच्चे को ऐसे बता दिया और टीवी ऑन कर दिया और बच्चा देखता रहे और आप सोचेंगे कि उसका इसका स्पीच डेवलप हो जाएगा, इम्पॉसिबल। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ओके। सी प्रीवियसली व्हाट हैपन, बच्चे को जब खाना देते थे, खाना खिलाते थे, हम क्या करते थे, बच्चे से बात करना ही पड़ता था, क्या उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, कब वो चला गया, कब वो चला गया, डाल दिया था। है ना, और इधर देखो, इधर देखो, ये कौन आ गया, तो आप बच्चे से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, बच्चे उसके लिए रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उधर देखो, देख लिया बच्चे उसे, ठीक है। सो वो सब अब गायब हो गया, अब क्या करते हो, मोबाइल ऑन कर दिया, झूम मचा के, झूम मचा के,
और बच्चा उसको देख रहे हैं और इधर से खाने का जुम मचा ले जुम मचा। वो एक पता नहीं क्या है धूम मचा ले जुम मचा ले। वो एक फोन भी आता था ना, एक प्लेइंग प्ले, वो एक फोन आता था उसको दबाते जो है वही गाना आता था। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं बाई गिविंग द मोबाइल्स, ठीक है, तो हर चीज़ को हम खुद क्लोज कर रहे हैं। पहले जो हमारा सिस्टम सही था, बच्चे को आप खाना खिलाते तो बहुत सारे बात करना पड़ता था, बच्चे से आ जाओ इधर देखो उधर देखो, तो बहुत सारे वर्ड्स का जो है एक्सचेंज होता था वहाँ पे, बट आप सब बंद हैं। ओके, तो मियरली गिविंग टीवी एंड वट एवर द मोबाइल एक्सेट्रा विल नॉट वर्क, सो यू हैव टू एक्टिवली इन्वॉल्व। समबडी इज कंटिन्यूसली लिसनिंग, इट मे इंक्रीज द लिसनिंग कैपेसिटी नॉट द लैंग्वेज स्किल। कुछ चल रहा है आप उसको सुन रहे हैं, हाँ उसका सुनने का क्षमता बढ़ सकता है, लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज जब बोलेगा तब ना बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज, आर बॉयज स्पीक लेटर देन द गर्ल्स? बहुत बार बोलते हैं कि लड़का है ना थोड़ा देरी है, लेजी है हर चीज में, लड़की है तो बहुत तेज है जल्दी करे। ये यूजुअल क्वेश्चन है ना जो जनरल पब्लिक में है कि लड़कियां जो है जल्दी बात करते हैं और लड़के जो है थोड़ा देर से बात करते हैं। सो एनी चाइल्ड हु इज नॉट स्पीकिंग बाई टू ईयर इज एबनॉर्मल। लड़का हो लड़की हो, दो साल तक अगर कोई भी बात नहीं कर रही या कर रहा है देन इट्स डेफिनेटली एबनॉर्मल। लड़का लड़की कुछ नहीं है। सो वैसे देखें तो सभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन लड़कियों में थोड़ा फास्ट है। ठीक है, सभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन थोड़ा फास्ट है और इवन द प्यूबर्टी इज ऑल्सो फास्टर इन फीमेल कंपेयर टू मेल। फीमेल के दो साल के बाद प्यूबर्टी आ जाता है मेल्स में। ठीक है, सो इसलिए सभी जो है डेंटिशन भी जो है लेडीज में लड़कियों में थोड़ा जल्दी आता है। ऑल द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर लिटिल बिट फास्टर इन फीमेल गर्ल। सो इसका मतलब ये नहीं है कि दो साल के बाद भी अगर वो बात नहीं कर रहे, हम यही मान के चले कि ये लड़का है कोई बात नहीं, चार साल के बाद बात करेगा। ठीक है, अगेन सो एनी चाइल्ड हु इज नॉट स्पीकिंग बाई टू ईयर्स इज एबनॉर्मल एंड देर इज नो फीमेल एंड मेल रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट, इज शी इज लेट एज वी स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज एट होम। हम घर में तीन चार भाषा बात करते हैं इसलिए शायद इसको जो है लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। मैं हिंदी में बात करता हूँ, दूसरा जो है कन्नड़ में बात करते हैं और दूसरा कोई मराठी में बात करते हैं हमारे घर में, और बच्चा कन्फ्यूज है कौन से लैंग्वेज में मैं बात करूँ, तो शायद जो इसलिए लेट है। हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन? बट रिसर्च सेज दैट इट डज नॉट मैटर इफ द स्किल्स आर ओके। कितना भी लैंग्वेज में आप बात करो सो बच्चा जो है वो पकड़ेगा सभी लैंग्वेज को, क्योंकि उसका जो है सर्क्यूट्स, जितना आप उसको सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे, नॉर्मल बच्चों में बात कर रहा हूँ, और जितना अलग अलग लैंग्वेज में आप बात करेंगे उतना ही जो है उसका सर्क्यूट्स, न्यूरोनल सर्क्यूट्स बढ़ेगा। इसलिए अगर लैंग्वेज बच्चे को सिखाना है, अलग अलग लैंग्वेज सिखाना है, तो पहले सिखाना है चार पाँच साल में, है ना। 30 साल के बाद अब लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, बट शुरू में हो जाएगा। ओके, सो बट इफ द चाइल्ड इज हैविंग सम लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑलरेडी देन वी कैन एक्सपोज देम टू मल्टीपल लैंग्वेज, देन इफ वी एक्सपोज देम टू द मल्टीपल लैंग्वेज इट विल बी मैटर। एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये कोई बड़ा बात ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मैं कन्नड़ में बात करता हूँ, बच्चे स्कूल में जाने के बाद हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, दादा दादी से बात करते वक्त हमारा लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तुलू में। ठीक है, और कभी कभी इंग्लिश में बात करते हैं टीचर्स के साथ। सो सभी लैंग्वेज वो पकड़ ली, और जो भी लोकल आते हैं उसको राजस्थानी में बात करते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल इफ द चाइल्ड इज नॉर्मल ही कैन पिक अप मेनी लैंग्वेजेस। इफ द चाइल्ड इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज उसको एक लैंग्वेज के साथ भी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो अगेन मल्टीपल लैंग्वेजेस विल नॉट मैटर प्रोवाइडेड द चाइल्ड इज ओके। My family tells that he will catch up. All our family members are late in speech development. हमारे घर में सभी जो है देर से ही बात की। ठीक है, ये भी देर से ही बात करेगा, मैं जांच नहीं करूँगा। आपने बताया उसको बैरा करने के लिए, तो पेशेंट बोलेगा नहीं हमारे घर में तो सभी लेट ही है, तो ये भी बात नहीं करेगा लेट। What is the answer?
देखो अगर भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और जो है बाकी लोगों के साथ ये भी जो जैसा ये भी अगर बात करना सीखा तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं सीखा तो आपने 10 साल तक वेट किया नहीं सीखा अब क्या करेंगे, नाउ देयर इज नो चांस. सो देयरफॉर व्हाटएवर मे बी द कॉज इंटरवेंशन हैज टू बी डन. एक्सक्लूड करने में, चीज़ों को एक्सक्लूड करके कंफर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है. सो पॉइंट इज वट एवर द प्रॉब्लम इज बेटर टू इंटरवीन अर्ली. इफ यू आर इंटरवीन लेट एंड अगेन इफ देर इज ए प्रॉब्लम देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. अनदर क्वेश्चन इज कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आने के बाद वो पूछते हैं व्हाई डिड दिस डिले हैपन, ए लैंग्वेज डिले, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इसमें हमारा कोई गलती है क्या? माँ बाप पूछेंगे न्यूक्लियर फैमिली है, फादर जो है जा रही है ड्यूटी में और मदर भी जा रही है और बच्चे को कोई प्ले स्कूल में कहीं इधर छोड़ के चले गए. ठीक है, तो अब वो बात नहीं कर रहे हैं, अब जाके दोनों एजुकेटेड है, अब उसको लग रहा है कि हमने इसके साथ अच्छे से बात नहीं किया, शायद इसकी वजह से है क्या. ये पूछेंगे आपसे इसमें हमारा गलती है क्या माँ बाप का. लेकिन इफ द मदर इज वर्किंग और न्यूक्लियर फैमिली, इट्स नॉट न्यूट्रल, न्यूक्लियर फैमिली ज्वाइंट फैमिली नहीं है. ओके सो क्या बोलते हैं, इज इट पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद योर चाइल्ड लेस, इट गिव्स लेस अपॉर्चुनिटी टू टॉक, देन इट मे बी द केस. नाउ अगेन देर इज अ रूल, अगर 10 साल में आपको पता चल गया कि माँ बाप ने इससे अच्छे से बात नहीं किया, इसकी वजह से इसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बट यू शुड नॉट डायरेक्टली टेल इट टू द पेरेंट्स. ये कुछ नहीं है, आप लोगों का ही गलती है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते बिकॉज दे विल गोइंग टू रिपेंट लाइफ टाइम. हाँ हमें पता है कि माँ बाप का ही प्रॉब्लम है, उस लोगों ने अच्छे से इंटरवेंशन नहीं किया, बट टिल देन स्टिल यू शुड नॉट टेल दैट, क्योंकि उसके लिए जो है ना उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग एक रिपेंट करने के लिए पश्चाताप होता जाएगा, हमारा वजह से बच्चे को ऐसे हो गया. ओके सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी टैक्टिकली. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्पीच, सो विद दिस वी कंक्लूड. स्पीच का कंप्लीट हो गया एंड